हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। आज हम बनाने वाले हैं मटन। हमने 1 किलो मटन लिया है, इसे धो लिए हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब ये मटन में सारे मसाले मिला लेंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, थोड़ा ऑयल डालेंगे, 8 से 10 प्याज लिए हैं, प्याज भी इसी में डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हम अच्छे से मिला लिए हैं। अभी हम तेल गरम करेंगे और इसे बनाना चालू करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम गरम मसाला लिए हैं, इसमें डाल देंगे। ये 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा। अभी हम इसमें मटन डालेंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। दो से तीन लहसुन लिए हैं, अदरक, 4 लाल मिर्च, थोड़ा काली मिर्च, प्याज। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए मटन थोड़ा गल गया है। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखे थे वो डाल लेंगे। तो हरी मिर्च काट कर रखे थे वो डाल लेंगे। 1 छोटा मीडियम साइज टमाटर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अभी। जो मटन खाने के शौकीन है उसे तो जरूर पसंद आएगा। ये देखिए बढ़िया कलर आ रहा है अभी। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए आप। ये देखिए मटन गल चुका है, इसमें प्याज भी अच्छे से गल चुका है। ये देखिए कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अभी हम इसमें मीट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, पांच मिनट और भूनेंगे इसको। ये देखिए हमारा मटन अच्छे से गल चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अभी हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, हल्का गर्म पानी डालेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप डाल दीजिए। अभी कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, मीडियम आंच पर 2 से 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे। ये देखिए हमारा मटन बन के रेडी हो चुका है। अच्छा कलर आया है इसका। अगर
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।